हेलो फर्स्ट स्टैंडर्ड, दिस इज़ योर वैल्यू एजुकेशन लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 7, बिजी हैंड्स। स्टार्टर, द पिक्चर बिलो शो एक्शन वी डू विथ अवर हैंड। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए है जो एक्शन शो किए है, जो हम अपने एक्शन करने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते। What are this action? Use the word given below the picture to say what action is being alone. Write the number of the word in the box near the picture. और यहाँ पे एक्शन के नेम दिए और नंबर दिए, और यहाँ पे बॉक्सेस है। उस बॉक्सेस में हमें नंबर लिखना है कि वो कौन से एक्शन है। जैसे कि देखिए, इस पिक्चर में ये लड़की पेंटिंग कर रही है, तो यहाँ पे पेंटिंग का नंबर 1 है, तो यहाँ पे हमें 1 लिखना है। सेकंड पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये बॉयज कपड़े पहन रहा है, मतलब ड्रेसिंग कर रहा है, तो ड्रेसिंग का नंबर क्या है? 5। तो यहाँ पे हमें 5 राइट करना है। थर्ड में क्या है, ये लड़का प्ले कर रहा है, खेल रहा है, तो इस बॉक्स में प्लेइंग का क्या आएगा? 3 नंबर। यहाँ पे ये लड़का बीटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे 2nd नंबर आएगा। और इस पिक्चर में ये लड़की राइटिंग कर रही है, तो राइटिंग का नंबर क्या है? 4 नंबर। ठीक है, ये सब एक्शन करने के लिए सब ने क्या यूज़ किया? अपने हैंड का यूज़ किया है। लेट अस टॉक अबाउट इट। वी हैव 2 बिजी हैंड, वी यूज़ देम ऑल डे। हमारे पास 2 हाथ होते हैं और हम वो हर रोज़ यूज़ करते हैं पूरे दिन। वी डू गुड एक्शन विद देम एंड सम टाइम इवन बैड एक्शन। हम अपने हाथों से कभी कभी कुछ अच्छे चीज़ें भी करते हैं और कभी बुरा भी करते। देर आर सम लेजी हैंड टू, दे गेट अदर टू वर्क फॉर देम, दिस इज नॉट गुड। और हमारे हाथ आलसी भी होते क्योंकि हम काम नहीं करते और वो काम हम दूसरे को करने के लिए देते, तो ये अच्छा नहीं है, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। यहाँ पे एक स्टोरी है, रीड दिस स्टोरी केयरफुली। One day a teacher called 2 of her student, Meera and Tanaya. एक दिन क्या कर होता है, टीचर 2 स्टूडेंट को बुलाती है, मीरा और तनया को। She made them in a charge of keeping their classroom clean. तो वो उन्हें टीचर क्लासरूम क्लीन रखने का चार्ज देती है, काम देती है। One was in a charge of keeping the inside of the class clean and the other the outside of the class clean. तो एक को अंदर का क्लास साफ करने का काम मिलता है और एक को बाहर का क्लास साफ करने का काम मिलता है। At the end of the month, she would give a prize to whoever did a better job. और मंथ एंड होते समय टीचर उसको प्राइज देने वाले थे, जो अच्छा काम करेगा उसको। वन डे आफ्टर द आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड, द क्लास वॉज लिटरेड विद बीट्स ऑफ पेपर एंड क्रेयॉन्स। मीरा रैन ऑफ टू गेट द स्वीपर टू क्लीन अप, वाइल तनया टूक अ ब्रूम एंड क्लीनड अप हर पार्ट। तो मीरा क्या करती है, जो झाड़ू मारते साफ करते उन्हें बुलाने को जाती है। उनका आर्ट और क्राफ्ट का पीरियड था, तो उसके वजह से क्लास में पेपर के टुकड़े यहाँ वहाँ फैले थे, तो वो देख के मीरा क्या करती है, दौड़ती है और जो साफ सफाई करते झाड़ू मारते उन्हें बुलाने के लिए जाते, उन अंकल को वो बुला के लाती है। और तनया करती है, क्या करती है, वो अपना पार्ट खुद से क्लीन करती है। When the teacher came, she was happy to see तनया sweeping the place. जब टीचर आती है तब टीचर को अच्छा लगता है कि तनया उसको दिया हुआ काम अच्छे से कर रही है। It was easy to guess who would win the prize. Tanaya was given the prize. तो अभी इजी है कि
प्राइज किसको मिलेगा, जो काम कर रहे उसी को प्राइज मिलेगा ना, तो तनिया को प्राइज मिला। शी लव हर वर्क एंड वॉज रेडी टू डू इट इवन इफ शी वॉज नॉट प्रोमिस्ड अ प्राइज। उसको उसका जो काम है वो अच्छा लगता है, प्राइज के लिए नहीं तो वो उसको जो काम दिया है उसकी ड्यूटी थी इसलिए वो कंप्लीट करती है। लेट अस थिंक अबाउट इट। तो आपको भी क्या करना है, आपको जो भी काम दिया होगा वो अच्छे से आपको करना है, दूसरे को नहीं बताना है अपना काम। मे बी वी टू लाइक मीरा डू नॉट लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। एट वी यूज अवर हैंड फॉर वॉट वी लाइक टू डू, टू प्ले, टू ईट, टू पेंट, टू ड्रॉ। वी नीड टू लर्न टू लव वॉट एवर वर्क वी हैव टू डू। ऑल वर्क इज गुड एंड इट कीप अस हेल्दी एंड बिजी। वी गेट टू लर्न सो मैनी यूजफुल थिंग। तो हमें अपने हैंड जो है हमेशा बिजी रखने चाहिए, जैसे कि जो हमें पसंद है, खाना खाना, पेंटिंग करना, ड्रॉइंग करना, और कुछ हमें नहीं आ रहा है तो वो हमें सीखना चाहिए। जो भी हमें काम दिया जाता है वो हमें प्यार से अच्छे से करना है, क्योंकि सभी काम अच्छा ही होता है। इससे हमारे, अगर हम काम करने से हमें, हम हेल्दी रहते और हमारे हैंड बिजी रहते और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, इसलिए हमेशा हमें काम करता रहना चाहिए। क्लीन, हेल्प, डस्ट, वॉश, वाइप। हमें हमेशा क्लीनिंग करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी है, डस्ट है तो डस्ट क्लीन करना है, वॉश करना है अगर कुछ ख़राब होता है, वाइप करना है, पोंछना है, तो ये सब काम हमें करना है। इसमें कोई भी काम छोटा नहीं होता है, तो कोई भी काम करने के लिए हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। Read this sentence with the help of the picture. See how I use my hand. ये sentence हमें read करने है कि हम अपने हाथ कैसे use करते हैं। तो यहाँ पे picture दिए, उसको हमें guessed करके sentence read करने है। My mother wake me up at 7 o'clock every morning. I take my bath regularly. I comb my hair and dress myself in my school uniform for school. Then I drink my milk. After I pack my bag, I wait for the school bus to take me to school. At school, I study and play with my friends. तो ऐसे हमारे हैंड ये सब एक्शन करने के लिए हमें हेल्प करती है। तो यहाँ पे एक पोयम है, आई हैव प्रेयर है, आई हैव हैंड्स, गॉड गेव मी हैंड टू वर्क एंड प्ले एंड सो आई थैंक हिम एवरी डे। I can undo my buttons and close my zips and tie my legs if I bend my hips. I throw and I catch and I hope the ball. I have such fun when I clap and fall. God gave me hands to work and play and so I thank him every day. So, भगवान ने हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए हाथ दिए, तो हमें हर रोज़ भगवान का शुक्रिया करना है क्योंकि उन्होंने हमें हैंड दिए हैं। हमारे हाथों से हम अपने बटन लगा सकते, जिप लगा सकते, टाई लगा सकते, ठीक है, बॉल कैच कर सकते, हम खेल सकते, क्लैप कर सकते। भगवान ने हमें हाथ दिए खेलने के लिए और काम करने के लिए, तो हमें हर रोज़ भगवान को थैंक यू बोलना है। लेट अस रिमेंबर देर इज़ नो शेम इन डूइंग एनी काइंड्स ऑफ वर्क बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो
तो हमें कोई भी काम करने के लिए शर्म नहीं आनी है, क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो ही हम सक्सेसफुल होंगे, अच्छा आदमी बनेंगे। इसलिए हमें कोई भी काम करने के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें बिंदास हर काम करना चाहिए और हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो ही हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।